आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच क्रेप। क्रेप एक बहुत ही पतला पैनकेक होता है जो कि पूरी दुनिया में खाया जाता है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डेजर्ट के रूप में खा सकते हैं। इसे अक्सर जैम, हेजलनट, कोको स्प्रेड जैसी कई तरह की फिलिंग के साथ परोसा जाता है। क्रेप की शुरुआत 13वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी फ्रांस के ब्रिटनी क्षेत्र में हुई थी। फ्रांस में क्रेप्स को पारंपरिक रूप से 2 फरवरी को कैंडल मास पर परोसा जाता है। वैसे तो यह दिन मूल रूप से वर्जिन मैरी का ब्लेसिंग डे था, पर फ्रांस में लजू दे क्रेप, यानी कि हमारी आम भाषा में कहें तो क्रेप दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 472 में रोमन पोप गिलेसियस ने कैंडल मास को मनाने के लिए रोम आने वाले फ्रेंच तीर्थयात्रियों को क्रेप ऑफर किए थे। वे इस अंधविश्वास के साथ फ्रांस में इस परंपरा को लाए कि यदि कोई व्यक्ति अपने दाहिने हाथ से पैन में क्रेप को पलटते समय एक कॉइन अपने बाएं हाथ में रखे तो वह व्यक्ति एक वर्ष के लिए अमीर बन जाएगा। तो ये सारी बातें सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि फ्रांस में पारंपरिक रूप से क्रेप का कितना महत्व है। आज की इस प्रस्तुति में हम क्रेप को बेहद आसान तरीके से बनाएंगे, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर की किचन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंच क्रेप। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 125 ग्राम मैदा है। ये हम 2 मीडियम साइज के एग ले रहे हैं। 320 ml के लगभग हम यहाँ स्किम्ड मिल्क ले रहे हैं। बटर के एक छोटे क्यूब को मेल्ट कर लेते हैं और अंत में हमें सॉल्ट की आवश्यकता है। अंडों को एक बोल में तोड़ लेते हैं। इन्हें फेंट लेते हैं। पहले इसमें आधा दूध मिलाकर फेंटते हैं। फिर बचा हुआ दूध भी इसमें मिलाकर इसे फेंट देते हैं। अब इसमें पिघला हुआ बटर मिलाते हैं। दूसरे बोल में मैदे को इस प्रकार छान लेते हैं। इसमें 2 चुटकी नमक छिड़क देते हैं। एक बार मिला देते हैं। अब अंडे और दूध वाले घोल को इस मैदे में थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाते हैं। ऐसा करने से मिश्रण में लम्स नहीं पड़ते। अगर आप इस मेहनत से बचना चाहें तो ब्लेंडर का भी प्रयोग करके इन्हें मिला सकते हैं।
इस प्रकार सारे घोल को मैदे में डालकर अच्छी तरह घोल लेते हैं। ध्यान रखें कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। यह हमारा क्रेप का घोल तैयार है। इसे एक घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। इसके बाद ही हम इससे क्रेप्स बनाएंगे। आप चाहें तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और 1 से 2 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। बस प्रयोग करने से 1 घंटे पहले रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल दें ताकि इसका तापमान सामान्य हो जाए। एक गर्म पैन को बटर से ग्रीस करते हैं। पैन के आकार के अनुसार घोल की थोड़ी मात्रा पैन में डालकर चारों ओर फैला देते हैं। एक तरफ 30 से 40 सेकंड तक सेंकते हैं। फिर उसके बाद इसे पलट देते हैं और दूसरी ओर से भी इतने ही समय तक सेंक लेते हैं। बस हमारा क्रेप तैयार है। इसी प्रकार घोल से क्रेप बनाते जाएं। यह बहुत डेलिकेट होता है तो पलटते समय बहुत ध्यान से इस प्रकार किनारा उठाकर हाथ से पकड़कर इस स्पैचुला नीचे से घुसाकर इसे पलटें। अब इन क्रेप्स को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे तो इस प्रकार बटर से ग्रीस करके शुगर की डस्टिंग करके खाएं। बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इसे चॉकलेट सॉस के साथ खा सकते हैं। आप इसे हनी के साथ खा सकते हैं। जैम के साथ या अपनी पसंद की किसी भी स्प्रेड, टॉपिंग्स और फिलिंग के साथ खा सकते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।